अरे भैया क्या कर दिया मैंने, ये तो भैया मैंने स्मोक में एडजस्ट कर दिया है ना, अब तो वीडियो आएगी यार, मेरी तो फटके चार हो रही है, क्या करूं अब मैं भाई, क्या ये वीडियो ना डालूं। तो भाई लोग कैसे हो, तो यार बैक दी वेलकम, स्वागत है आपका एक और ब्रांड न्यू पबजी दो मोबाइल गेम प्ले वीडियो में। और हम जा रहे हैं मिलिट्री बेस, क्योंकि वाई नॉट, है ना। आजकल मैंने देखा यार मिलिट्री में बहुत बंदे आते हैं और पोचंकी खाली रहते हैं, तो मैंने बोला मिलिट्री चल लेते हैं। मुझे पता है यहाँ पे सांप बनने की बहुत जगह है, लौंडे सांप बने पड़े रहते हैं, लेकिन क्या करें, मजबूरी है भैया, है ना, किल तो चाहिए। तो पहुंच गया मैं मिलिट्री, और यहाँ पे गलत सीन होंगे और फ्री फायर के बारे में भी मैं थोड़ा बकवास करने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले यहाँ पे एक लौंडा सोलो स्क्वाड खेल रहा है, तो उसे मजा चखाए पहले। वो भी सोलो? तो भाई जी ऐसे कैसे चलेगा यार, आपको सोलो स्क्वाड भी खेलना है ना, और आपको हॉट ड्रॉप भी करना है और गन फाइट भी लेनी है, तो ऐसे कैसे चलेगा यार। सोलो स्क्वाड में थोड़ा अजूबा उतरना पड़ेगा यार, गन तो ले लो, ठीक है, गन गुन लेके लड़ना। यहाँ पे उसे भी मिल गई थी गन, लेकिन मुझे पहली मिल गई थी ना, तो मैंने पहली फायरिंग स्टार्ट कर दी और ठिला गया मैं, नहीं तो वो भी ठिला सकता था, उसके पास भी AKM थी। तो इसके बाद मैं नीचे लूटने आ जाता हूँ ना, दरिंदों की तरह, अब लुटाई होगी यहाँ पे बिल्कुल, ये जो सस्ती गन है जो भी मिल रही है सबको उठा लूंगा। और ये जो बगल में जो बिल्डिंग्स है ना, वहां पे भी बंदे घुसे पड़े, तो मैं भी घुस जाता हूँ, है ना, और काफी सारे फुटस्टेप आते हैं यार, तो थोड़ी सी फट सी जाती है। अब यहाँ पे मैं AKM रिलोड करने के लिए जरूर रुकता, लेकिन पीछे से भी फुटस्टेप आ गए थे, तो मैंने बोला M4 निकालते हैं। अब यहाँ पे ये जो अंदर बंदा पड़ा है ना, इसे मैं पड़े रहने देता हूँ, ताकि इसका टीममेट आए रिवाइव करने के लिए। वो चिल्लाए बंदा कि भाई बचाओ मुझे। लॉल तो यार ये एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल था प्री फायर का, ठीक है। इसमें खास बात क्या थी कि देखो मैं बिल्कुल ओपन में था, ठीक है, जहां पे मैं फायरिंग दे रहा था वहां से मेरे पास कवर के नाम पे कुछ नहीं था, तो जैसे ही मैं फायरिंग रोकता ना, वो भाई बाहर आता और मुझे पेल देता, और मैं ज्यादा कुछ कर भी नहीं पाता, ठीक है। मैं स्कोप खोल के जब तक गोली चलाता, वो TPP ले रहा था, वो इजिली मुझे पहले ही पेल देता, ठीक है। तो मैंने प्री फायर किया, लेकिन प्री फायर के साथ साथ मैं पीछे की साइड आ रहा था, ठीक है, ताकि जैसी मेरी गोली खत्म हो मैं कवर में आ सकूं। तो जब भी आप प्री फायर देते हो, ओपन में फंसे हो, तो क्या करना, प्री फायर देते रहना, लेकिन उसके साथ साथ उस तरफ मूव करना जिस तरफ आपको कवर मिले, ठीक है, ताकि जैसी गोली रिलोड पे जाए आप कवर में आ जाओ फटाक से। लेकिन अगर जहां पे आप कवर लेने जा रहे हो वो जगह दूर है, तो क्या करना, गन चेंज करना और उससे प्री फायर देना, ताकि आपको थोड़ा और टाइम मिल जाए। तो यहाँ पे इस भाई की गड़बड़ क्या थी, टावर वाले भाई की गड़बड़, कि इन्होंने फायरिंग तो दे दिया ना चौड़ में कि भैया मैं तो ड्रॉप शॉट दे के पेल रहा हूँ बंदे को, है ना, मैं हिल नहीं पाऊंगा, लेकिन गड़बड़ ये हो गई कि जब मैं पहुंच गया ना कवर में भाई, तो इनके पास कवर के नाम पे कद्दू कुछ नहीं था, ठीक है, तो इन्हें मौत दे दी जाएगी मेरे सस्ते DP के स्प्रे से, है ना, बिल्कुल। तो मेरा मतलब ये है कि यार अगर आप पे कवर के नाम पे कद्दू कुछ नहीं है, तो सोच समझ के फायरिंग करना, क्योंकि अगर नॉक नहीं कर पाए तो आप पे उल्टा स्प्रे आएगा। खैर यहाँ पे फैक्ट्री से बंदे हम पे रश कर देते हैं, तो हम उन पे रश कर देते हैं भाई, उल्टा हो जाता है। रुक जा, आराम से इधर ही है। अब ये पूरी स्क्वाड हम पे बिल्कुल चौड़ चौड़ में चढ़ गई थी ना, हमें ओपन में देख के, पर भैया एक सस्ता ड्रॉप शॉट और DP की 47 गोलियां भैया कसम से तबाही मचा दी, कतई फाड़ के रख दी है, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाले भाई है ना, इनने कर दिए हैं अब कैंपिंग, ठीक है, फील्डिंग बिछा रखी है, तो जैसी मैं जाऊंगा, मुझे अभी ठीक से पता भी नहीं होता किस साइड है, लेकिन मुझे लग रहा है वो आगे की साइड है, क्योंकि फुटस्टेप उसी तरफ से आ रहे थे मैप से, है ना। तो मैं बिल्कुल रिस्क के नाम पर कद्दू कुछ नहीं लेना चाहता, पहले मैं फेंकता हूँ सस्ती मौली, मौली नहीं लगती, ठीक है, हमेशा की तरह, लेकिन उसके बाद हम रस बोल देते हैं। जी, तो भाई लोग यार मुझे एक बात बताना कि ये जो फिनाइल की बोतल में आग लगा के, या मौली कहते हैं इसे पबजी में, है ना, क्या वो बंदे को लगी थी, क्या उसे डैमेज हुआ होगा, क्योंकि जब मैंने स्कोप खोला यार, लपटे तो आग की लपटे तो पहुंची हुई थी उस तक, लेकिन यार मुझे समझ नहीं आया लगी थी कि नहीं, ठीक है, कुछ समझ नहीं आ रहा था। खैर आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपको क्या लगता है। खैर वो सब छोड़ो यार, मिलिट्री बेस से हम पहुंच जाते हैं जोरजो,
ठीक है, इतनी दुविधा होती है भाई, बंदे मिलते ही नहीं है भाई, है ना। तो यहाँ पे इन्होंने मंगाई होती है फ्लेयर ड्रॉप, तो उसका पीछा करते हुए हम भी पहुंच जाते हैं, यार हमें भी चाहिए फ्लेयर की गने, और यहाँ से मैं AWM चुराऊंगा। तो देखो यार सस्ता स्प्रे मेरा, चलो आलस देख रहे हो मेरी, मतलब आलस देख रहे हो किस लेवल पे है। मतलब देखो DP रिलोड नहीं की, ठीक है कि टाइम लगता है यार, कौन करेगा DP, लेकिन AKM में 6x लगा के चला रहा हूँ। वैसे अगर मैं रिलोड करने बैठता तो शायद मैं नॉक नहीं कर पाता ना, वो बंदा भगसा जाता। अब यहाँ पे मैं करता हूँ एक बेवकूफ़ी, एक मूर्खता, ठीक है। मैं पड़ जाता हूँ फिनिश के पीछे, ठीक है, फिनिश के पीछे पड़ना मतलब मौत का चक्कर, ठीक है। कोई राइम नहीं बना रही है ये, लेकिन देखो यार क्या करता हूँ मैं। अबे यार बहुत ही बढ़िया भाई, किल के लालच में मतलब अपना थोपड़ा ही फड़वा लो, ठीक है। किल के चक्कर में मैं बिल्कुल अचानक से बढ़िया से पी करके पेल रहा था उसे, पी भी क्या, बिल्कुल सामने था, मैं पड़ गया AWM का फटका, ठीक है, काफी बढ़िया। अब मैंने तो खा लिया फटका, मैं अपने टीममेट को बोलता हूँ भैया देखो पीक ना करो, मेरी फट रही है AWM उन पे। लेकिन मेरा टीममेट बोलता है भाई मेरे पे M24 है, मैं दिखाता हूँ तुझे, और तब ये होता है, ठीक है। तो भाई भी नॉक हो गया ना, मैं अपना रिवाइव हील पहलता हूँ पहले, सबसे पहले, और अब दोनों पे हेलमेट नहीं है भाई, कतई खतरनाक। मैं बोलता हूँ भैया आप जो भी हो सस्ती फुर्सत में निकल लेते हैं यहाँ से, नहीं तो ये लोग करेंगे रस, ठीक है। तो अब क्या होता है, ये लोग गाड़ी लेके हमारे राइट साइड में आ जाते हैं, और हमने स्मोक वगैरह बना ली होती है, तो निकलते हैं यहाँ से। अब हम उल्टा कर देंगे, अब हम इन पे क्लोज रेंज रस कर देंगे, क्योंकि भैया AWM के सामने तो भैया हमसे ना हो पाएगा। तो ये लोग यहाँ पे फ्लैंक करने गाड़ी लेके आते हैं, बाइक लेके, और हम इनके घर में पहुंच जाते हैं कार लेके। अब उल्टा हो जाता है सब कुछ, देखो यार आप। चलो इसे फिनिश मत कर, ओपी तो ये बहुत ही अच्छी चीज थी यार, इन लोगों ने फ्लैंक मारा हम पे क्लोज रेंज फाइट लेने के लिए, और एक बंदा यहीं से AWM लेके कवर दे रहा था, ठीक है, बहुत ही बढ़िया चीज। लेकिन गड़बड़ तब हो गई जब हमने इन पे रस कर दिया उल्टा, ठीक है, गड़बड़ तब हो गई। और ये देखो AWM छुपाने की कोशिश की गई थी, लेकिन भाई अब तो उठाना पड़ेगा, अब तो उठाना पड़ेगा यार, औरों को भी तो पिलाऊं कि कैसा होता है यार AWM का चटका खा के। और हेलमेट उलमेट वापस मिल गया यार, बहुत ही अच्छा लग रहा है भाई, मतलब उड़ा सा दिया था यार। टोपी टोपी अच्छी नहीं लगती यार, स्टार्टिंग में बढ़िया है, लेकिन एंड में टोपी यार सीधा नौकूंगा मैं, है ना। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ AWM वगैरह। देखो गलती क्या हुई, इस ये जो यहाँ पे घर पे बंदा था ना, उसे नॉक नहीं होना था, ठीक है, क्योंकि वो दोनों वहाँ गए थे यहाँ पे रिवाइव के लिए, कोई कोई था नहीं इसके लिए, है ना, और वो लोग दूर थे, और उन्होंने भाई आ गए प्रेशर में कि भैया अपना लौंडा नॉक हो गया, फटाफट जाओ रिवाइव करने, और तभी हो गई गड़बड़, ठीक है। बाइक थी, पेल डाला, खैर यहाँ पे अपार्टमेंट्स में आता हूँ मैं, और यहाँ पे बंदे होते हैं। एक बार सर तो प्री फायर हर कोई दे रहा है, लेकिन लक किसी का नहीं रहा है, ठीक है। प्री फायर वो लोग भी दे रहे हैं दरवाजे पे, हम भी दे रहे हैं, हम भी डीट है यार, हम उस साइड जा नहीं रहे, वो भी डीट है, वो इस साइड आ नहीं रहे। लेकिन गड़बड़ ये है कि वो लोग चार है और हम दो, सिर्फ दो, और जो लौंडा यहाँ पे अभी नॉक किया था वो भग जाता है यार इस फाइट में, मैं भूल भी जाता हूँ कि वो भग गया। भैया फ्लैंक, ठीक है, हम पे फ्लैंक मारने की कोशिश की गई थी, मेरे टीममेट पे हमला करने की कोशिश की गई थी, लेकिन मैं कूदा खिड़की से बाहर, मैंने देखा अरे भैया ये तो बाहर से TPP लेके गोलियां पेल रहे हैं, मैंने उन भाई को वहीं टिला के खत्म कर दिया, ठीक है। और वो जो दूसरा बंदा यहाँ पे नॉक किया था मैंने पहले, यार वो रिवाइव हो जाता है, ठीक है, भग गया वो, ये खिड़की, ये जो दरवाजा था ना टूटा हुआ, यहाँ से निकल के चल जाता है यार वो, मतलब
खतरनाक यार, कैसे भूल गया मैं उसे फिनिश करना। खैर यहाँ पे वो लोग भी डीट है, हम भी डीट है, तो काम आता है नेड। ठीक है, नेड उठाओ और फेंको। ये पेन क्यों पकड़ लिया था मैंने, नेड उठाता हूँ मैं, ऐसी करने की कोशिश करता हूँ, कहीं कहीं क्या पता 200 IQ नेड लग जाए। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, 200 IQ नहीं, 26 IQ नेड लग जाए ना, IQ ज़्यादा है नहीं और पर लगता नहीं है, लेकिन एक और फेंकेंगे यार, क्योंकि नेड की कमी नहीं है, फेंकेंगे नेड और क्या पता लग जाए तो मजा ही आ जाए, यही चाह रहा है यार, क्योंकि अगर मैं भगते हुए जाऊंगा ना उस दरवाजे से तो बुरी हालत हो जाएगी मेरी। लेफ्ट में तो अब टाइम आ गया है बहाना बहाना खेलने का। ठीक है, अब बहाना तो देना पड़ेगा ना यार, ऐसे कैसे नॉक हो गया, बहाना तो देना पड़ेगा। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ यार, देखो यहाँ पे क्या हुआ, मुझे राइट से एक नेट करने की आवाज़ आती है, कोई नेट का पिन खींचता है, वो मुझे लगता है राइट कमरे में होगा, मैं घुसता हूँ राइट कमरे में, मैं देखता हूँ भाई वो तो बाहर से नेट कर रहा है, मैं बोला ऐसी तैसी, अंदर एक और बंदा होता है लेफ्ट में, मैं बाहर की तरफ आता हूँ और वो लौंडा ठिला देता है यार, काफी बढ़िया स्प्रे था भाई का, ठिला दिया गया, लेकिन मेरा टीममेट आता है पीछे से कतई खतरनाक, सल्लू भाई की उसमें, लेकिन नहीं नहीं सल्लू भाई तो गाड़ी में आते हैं, ये गलत लाइन बोल दी, इसे कट करना पड़ेगा। मेरा लौंडा आता है, टीममेट आता है पीछे से और दोनों को ले जाता है। ठीक है, नेड नूड फेंका था भाई ने जो बाहर था, लेकिन नेड लगता नहीं और सही है यार, अब टाइम आ गया है AWM स्नाइपर राइफल का इस्तेमाल करने का। ठीक है, क्योंकि उठा के तो रखी है लेकिन क्लोज रेंज ही फाइट ले रहे तब से, तो उपयोग किया जाएगा अब स्नाइपर राइफल का बिल्कुल। बहुत दुख होता है यार, कसम से दिल पे दुख होता है जब नॉक करो लेकिन किल नहीं मिलती। ठीक है, तो मैं एक आध बंदे ढिलाता हूँ, AWM से नॉक करता हूँ, लेकिन कभी रिजाते आ जाती है बीच में, है ना, तो कभी स्नाइपर टावर, इसके बाद क्या होता है जोन हमें हमारा साथ छोड़ देता है ना, तो हमें भी निकलना पड़ता है। मुझे एक ही चीज़ दिखती है यार जोन में ढंकी, वो है स्नाइपर टावर, उस पे ना बंदे बैठे होते हैं, तो हम वो लोग ऊपर बैठेंगे, हम नीचे वाले फ्लोर में, यार शेयर करना पड़ेगा बिल्कुल, और मैं अंदर घुसते ही सांप बन जाता हूँ। तीन बंदे ऊपर नेट कर सकता है उस तरफ से, कितने गए, एक अब यहां से मुझे ऊपर से फुटस्टेप तो काफी आ रहे थे, लेकिन क्या होता है मेरे ख्याल से बाकी जो उसके टीममेट्स थे वो नॉक हुए होते हैं। ठीक है, तो मेरा नेड लगता है और एक आखिरी बंदा मर जाता है, भैया एक ही किल मिलती है। खैर यहाँ पे अभी आगे भी बंदे पड़े हैं ना, तो एक आध नॉक करते मैं ऊपर जाने की सोच रहा हूँ, क्योंकि हाइट एडवांटेज यार बढ़िया है, हाइट एडवांटेज। अब यहाँ पे मैं सस्ती फुर्सत में ऊपर भाग लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि नीचे यार मुझे मामला ठीक नहीं लग रहा है, बहुत झाड़ी जुड़ी थी, कद्दू कुछ नहीं दिख रहा है। ठीक है, मतलब सारी झाड़ियाँ यहीं उगा रखी है स्नाइपर टावर के बीच में। खैर ऊपर हम आ गए हैं, मेरा टीममेट भी आ जाता है, मैं बोलता हूँ, मेरा टीममेट बोलता है कि यार मैं नीचे रहता हूँ, क्योंकि देखो एक ही नेड आएगा दोनों खल्लास। ठीक है, तो एक ये स्नाइपर टावर वैसे ही इतना खुला है, देखो खिड़की खिड़की भैया, खिड़की ही खिड़की भाई, इतनी खिड़की तो बाथरूम में नहीं होती, एक सेकंड, बाथरूम में तो कमी खिड़कियाँ होती हैं, वो सब छोड़ा यार, मेरा टीममेट नीचे भाग जाता है और मैं ऊपर रहता हूँ, ऊपर से बढ़िया एडवांटेज मिल रहा है मुझे, लेट रखा हूँ मैं, क्योंकि भैया अगर खड़ा हो गया ना मैं इतनी जगह पे, इतने सांप बने पड़े हैं ना, सब डस लेंगे मुझे एक ही बार में, भाई मर जाऊंगा यहीं पे मैं। Thank you.
दी थी। ओह राइट में सबसे मार रहा है यार। कभी कभी ना मैं अपने आप का ये देख के ना मैं अपने आप से पूछता हूँ कि भाई मैं इतना ढीठ क्यों हूँ। ठीक है, M24 का फटका पड़ता है मेरे ख्याल से मुझे, है ना, हेड पे पड़ता है। हील करने की बजाय मैं ऊपर खड़े होके उसको फिनिश करता हूँ भाई, बहुत ही गलत है यार। यहाँ पे मैं बिल्कुल ठिल जाता अगर उसने एक और शॉट मार दिया होता ना, मैं यार मुझे हील करना चाहिए था। लेकिन वही बात है ना, डर के आगे मौत है। सही सही समझे यार आप, ये पहाड़ी ड्यू वो जो माउंटेन ड्यू करके आती है यार, उसका चुराया हुआ डायलॉग है ना, लेकिन थोड़ा सा सस्ता कर दिया मैंने इसे। खैर यहाँ पे एक ही बंदा बाकी है, वो राइट में सोया है। और तैयार हो जाओ, ठीक है, तैयार हो जाओ देखने के लिए स्मोक में एडजस्ट। ठीक है, बिल्कुल खतरनाक तरीके से किया जाएगा, बहुत ही गलत। देखो यार बिल्कुल मजे लो इसके, मैं बकवास कमेंट्री बंद कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। स्मोक में एडजस्ट, अरे भैया क्या कर दिया मैंने, ये तो भैया मैंने स्मोक में एडजस्ट कर दिया है ना। अब तो वीडियो आएगी यार, मेरी तो फटके चार हो रही है, क्या करूं अब मैं भाई, क्या ये वीडियो ना डालूं। यार कसम से बहुत हंसी आती है मुझे ये बचकानी हरकतें देख के ना, बहुत हंसी आती है लोगों की, बहुत ज्यादा। ठीक है, और दुख होता है उनके लिए यार, पर क्या करें, क्या कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे लौटना दिखा, स्मोक किया उसने भाई जोन के बिल्कुल एज में। ठीक है, मेरे ख्याल से उसका आधा पांव बाहर था जोन के और सिर्फ मुंडी इधर थी। ठीक है, एक शॉट देता हूँ, मेरे ख्याल से बॉडी शॉट था वो, हेड पे भी नहीं था। लॉन्डी की हेल्थ ऑलरेडी कम थी भैया, ठिला डाला। ठीक है, और स्मोक में एडजस्ट करना बहुत आसान है यार, मैं बताता हूँ क्या करना है। सबसे पहले ये जो गोली बचाओ आंदोलन करते हैं ना कुछ लोग, कि भैया मेरे पे तो AWM है, हेडशॉट होगा तभी चलाऊंगा गोली, नहीं तो यार गोली बचाऊंगा 25 ही है। ठीक है, ये आंदोलन बंद करना होगा, चांस लेना होगा यार। ठीक है, मैंने देख लिया था उस बंदे को वहां पे, उसके बाद उसका स्मोक आ गया। ठीक है, वो ढक गया स्मोक से, लेकिन मुझे पता था ना भाई वो लौंडा उसी तरफ है, मैंने चला दिया शॉट। ठीक है, नहीं लगता क्या होता, नहीं लगता तो वो स्मोक आगे आता थोड़ा रेंग के, उसके बाद मार देता यार, दिक्कत कहाँ थी। लेकिन स्मोक में पेला और लग गया भाई, और जो फीलिंग आई ना भाई, जो सेटिस्फैक्शन मिला भाई, बहुत अलग लेवल पे था। तो आप लोग ट्राई करना यार, कसम से बहुत ज्यादा मजा आता है। और अगर आपने किया है कभी तो यार कमेंट करके जरूर बताना, और लोगों के साथ भी शेयर करो। ठीक है, पूरा मूवमेंट बताना कि हुआ क्या, कैसे आपने पेला, AWM से पेला या अंधा स्प्रे दिया, जो भी किया यार कमेंट करके जरूर बताना। मजे करो यार कमेंट सेक्शन में यार, देखो कैंसर फैलाने की जगह मजे लो कमेंट सेक्शन में। ठीक है, हेट मत फैलाओ किसी को यार, किसी को गाली मत दो। और यहाँ पे मैं ये सब क्यों सिखा रहा हूँ मुझे समझ नहीं आ रहा, वो सब छोड़ो भाई लोग यार, आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये सस्ता शॉट पसंद आया हो ना यार, पसंद आया हो अगर, तो क्या कर रहे हो, लाइक का बटन दबाओ। ठीक है, लाइक का बटन दबाओ, कसम से मेरी भी हेल्प हो जाएगी, मुझे भी मजा आ जाएगा। और नए हो तो क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब करो, ऐसे ही खतरनाक स्मोक में जस्ट गेम प्ले के लिए सब्सक्राइब करो और मजा आएगा। तो कल मिलते हैं भाई लोग यार, बहुत बहुत शुक्रिया अगर आपने यहां तक वीडियो देखी है, एक बार बता देना अगर आपने यहां तक वीडियो देखी है। तो कल मिलते हैं भाई लोग यार, बाय बाय।